अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ, और आज मैं आया हूँ चिन्योट, और इस टाइम मैं दरियाए चनाब के किनारे में मौजूद हूँ। और आपको पता ही होगा दरियाए चनाब बहता है जो चिन्योट के साथ, और इसके दोनों तरफ जो है अतराफ़ जो है पहाड़ हैं, छोटा सा एक पहाड़ी सिलसिला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस दरिया का जो है जो हाल हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका हूँ, और पानी इतना होता था यहाँ पे कि कश्तियाँ चलती थी इसी किनारे पे, आगे कश्तियाँ लगती थी। लेकिन अभी जो है इसका हाल देखें, ये है पानी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। पहले आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि आप यहाँ जा सकते हैं। वो आपको सामने नज़र आ रही हुई कश्ती खड़ी है, और ये सारा दरिया हुआ करता था। अब जो है यहाँ पे सारा जो पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ये आप ये देख सकते हैं, सारा पानी जो है ये खुश्क हो चुका है। यहाँ पे किसी टाइम पे जो है वो पूरा एक दरिया हुआ करता था, और आप यहाँ पे अंदर इधर चलने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जो है वो शायद जो इंडिया ने जो है पीछे से पानी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे सूखा हो गया है सारा कुछ। तो आई और इसके साथ ही जो है ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पानी जमा है, जैसे कि पाउंड होता है इस तरह से जो है ना, यहाँ पे जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो जमा हुआ है। और जिस जगह अभी मैं चल रहा हूँ ये दरिया है, बिल्कुल यहाँ पे पानी होता है। जब पानी यहाँ मौजूद होता है तो ये पूरी जगह पानी से भरी होती है। अभी ये खुश्क ज़मीन है सारी, क्योंकि पानी इधर नहीं है मौजूद। और ये आपको ज़रा सा जो पाउंड टाइप नज़र आ रही जगह, ये पानी यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है। यहाँ पे एक दफ़ा हम लोग फ़िशिंग के लिए भी आए थे, और यहाँ पे फ़िशिंग के कंपटीशन भी अरेंज किए जाते हैं। देखें ये दरिया, इस दरिया के किनारे घोड़ों के ऊपर लोग तस्वीरें बनवाते हैं, घूमते हैं, और हाथ और साथ ही जो है वो ऊँट पे सवारी करते हैं लोग। तो अभी जो है यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है पानी वगैरह सूखने की वजह से। और ये बिल्कुल दरिया के साथ ही जो है वो चिल्ला गाह है, इसको कहते हैं। ये मस्जिद भी है, और इसको चिल्ला गाह भी कहा जाता है। और ये एक बहुत अच्छा स्पॉट हुआ करता था, अब तो नहीं है शायद चिन्योट के लोगों के लिए, और तो कुछ था नहीं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, बच्चों के सैर व तफरी के लिए। ये एक जगह थी छोटी सी, जहाँ पे अब वो भी ख़त्म कर दी गई है। और बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि लोगों ने दरिया बहता था जिस जगह पर, अब वहाँ पर फसलें जो है लोगों ने लगा ली हैं, क्योंकि काफ़ी एक टाइम से यहाँ पर पानी नहीं है उस तरह जिस तरह एक दरिया बहता हुआ करता था। और यहाँ पर किसी टाइम पर जो है वो फिशिंग के मुकाबले भी हुआ करते थे। अभी पिछले कुछ चंद महीनों पहले भी मैंने सुना था कि यहाँ पे फ़िशिंग के मुकाबले हुए थे, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो है वो ट्रक्स जो है मिट्टी निकाल के पूरे पंजाब के अंदर जो है सप्लाई की जाती है, इस दरिया से सारी जो है वो मिट्टी निकाल के जो है ना वो मुख्तलिफ़ इलाकों को, मुख्तलिफ़ शहरों को जो है वो मिट्टी की सप्लाई की जाती है। तो अब देख सकते हैं ये हालत है, पानी खुश्क हो गया जगह जगह, बस थोड़ा सा ऐसा जैसे कि पाउंड्स होते हैं पानी के, इस तरह के छोटे छोटे पाउंड्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि एक यही है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है पीछे तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है सब खुश्क हुआ हुआ है, सारा खुश्क हो गया है। तो बहरहाल ये था, और इसके साथ ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। पहले चेयर लिफ्ट इधर को प्लान बना था चेयर लिफ्ट का, और शायद वो बनी हुई थी, तारें तो लगी हुई हैं,
लेकिन एक ये बड़ी सस्ती और एक अच्छी यहाँ पे लोगों के लिए सहूलत हो सकती थी, लोग तफरी के लिए आ सकते थे शहर के इस हिस्से के अंदर घूमने फिरने के लिए, संडे को अपनी अपना वीकेंड गुजारने के लिए, छुट्टी का दिन गुजारने के लिए, लेकिन ये चीज़ भी जो है इन लोगों से छीन ली गई है। क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। वैसे ये दरिया चनाब का हिस्सा ही है और ये इंडिया से आता है, शायद इंडिया ने पानी बंद कर दिया हो, उसका असल वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये कि ये मैं यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुका हूँ और आपको भी एक आध दफ़ा शायद वीडियो में दिखाया मैंने तो, लेकिन ये बहुत अच्छी हरी भरी और पानी से भरपूर हुआ करता था ये दरिया, जो कि अब जो है खुशहाली का शिकार नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आज छोटी सी एक वीडियो थी, मेरे एक आया हुआ था काम से, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी साथ साथ सूरत हाल से आगाह कर दूँ। तो ये इस टाइम जो है वो सूरत हाल है दरिया चनाब की, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं आने का कि दरिया चनाब पे जाएं और खाना खाएं जाके किनारे पे, तो मत आइएगा रावी की साइड निकल जाए, बल्कि रावी तो अब गटर बन चुका है, वो भी मैंने देखा लास्ट टाइम जब मैं लाहौर गया था तो पानी बहुत गंदा और काला हो चुका है, और वहाँ पे भी जो है ना खुश्का आ चुका है, क्योंकि शायद बारिशें भी बहुत कम हुई हैं और इसीलिए जो है वो बर्फ़बारी भी कम हुई थी, जो ग्लेशियर के जो पिघलेंगे वही पानी हमें ज़ाहिर दरियाओं में मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए शहर नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।